Hi, good morning, my dear student. Today, we are going to start your class 23, chapter 4, Thinker, Beliefs and Building. Class. Chapter 4. Thinkers, beliefs, and buildings. My dear, as you know that what we studied in this chapter, हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने इस चैप्टर में 6th सेंचुरी बीसी के बदलावों को पढ़ा। हम लोगों ने इस चैप्टर में 6th सेंचुरी बीसी में हो रहे उन चीजों पर दृष्टिपात की जिससे हमें सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। हम लोगों ने इस चैप्टर में थिंकर्स, सोशल रिफॉर्मर्स और उनके द्वारा किए गए सुधारों पर विस्तार से बातें की। आज हम स्पेशली जैन धर्म पर चर्चा करेंगे। Today, we are going to discuss about that Jain religion during 6th century BC and onwards. So, let's start the topic, the third topic in your book, Beyond Worldly Pleasure, The Message of Mahavir. Third topic hai aapke book ka, Beyond Beyond worldly pleasure and message of worldly pleasure and message pleasures and message of Mahavir. ये टॉपिक है आपका थर्ड टॉपिक आपने बुक का। हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पूर्व, हम इस टॉपिक को पढ़ने के पूर्व कुछ बातों पर विशेष बल देंगे। क्या कुछ चीजों को जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम जब तक उन चीजों को नहीं जानेंगे तब तक हम जैन धर्म की महत्वपूर्ण बातों पर विचार नहीं कर सकते। So, before start this topic, I would like to tell you the history of Jainism. So, Mahavir Swami, Jain Dharm ke vastavik sansthapakon mein se the. Yadyapi Jain Dharm ki sthapna hame 6th shatabdi Isa Purva ke pehle se dikhai deti hai. Jain Dharm ka prachalan samaj mein 6th shatabdi Isa Purva ke purv bhi dikhai deta hai. अगर आप विस्तार से देखें तो जैन धर्म भारत का अत्यंत प्राचीनतम धर्म था। जैन धर्म की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं अगर आप पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में समझें तो क्लियर कहता है कि जैन मत के संस्थापक के सिलसिले में 24 तीर्थंकरों की एक लंबी परंपरा का वर्णन हमें दिखाई देता है। 24 तीर्थंकरों में ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे और महावीर अंतिम तीर्थंकर थे। ऋषभदेव और महावीर ये प्रथम और अंतिम तीर्थंकर। चलिए थोड़ी देर के लिए बात करते हैं क्या थे पहले, जैनिज्म हिस्ट्री की बात करते हैं। जैनिज्म हिस्ट्री, और जैनिज्म हिस्ट्री की जब बात करेंगे तो सबसे पहले हमें टीचर्स की बात करेंगे। एक वर्ड जो जैन धर्म में यूज किया जाता है तीर्थंकर, तीर्थंकर
तीर्थंकर के अलावा एक और शब्द जैन धर्म यूज किया जाता है निगंठ। निगंठ निगंठ संस्कृत के निग्रंथ से बना हुआ है। इसका मतलब हुआ बंधनों रहित। तो इतने सारे शब्द मिलते हैं। टीचर्स किसने थे? कहता है 24 टीचर्स। 24 टीचर में फर्स्ट टीचर थे ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ कहते हैं, और 23rd को भी ले लेते हैं। 23rd थे पार्श्वनाथ और 24th टीचर के रूप में महावीर का नाम आता है। महावीर स्वामी। माय डियर, ईयर वन सेंटेंस इज वेरी क्लियर कि माय डियर इट इज वेरी क्लियर कि जो 24 तीर्थंकर हुए, 24th टीचर हुए, इसमें 1, 2, 22 इनके बारे में हिस्टोरिकल एविडेंस हमारे पास नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ इनके लिए, इनकी जानकारी के लिए हमें लिटरल एविडेंस का सहारा लेना पड़ता है, लिटरेचर का। और बाकी जो 23 और 24 हैं, इनके बारे में हमारे पास हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है। अभी एक चीज क्लियर कर दूं कि जितने भी तीर्थंकर हुए, आइए उनके नाम मैं आपको काउंट कर देता हूं 24 टीचर्स में, और जब भी वन मार्क्स क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से बता दें कि वन मार्क्स क्वेश्चन में जो तीर्थंकर 24वें थे, 24 टीचर्स थे, इन 24 टीचर में अंतिम टीचर के रूप में महावीर स्वामी का नाम काउंट किया जाता है। आपके बुक में भी लिखा हुआ है द बेसिक फिलॉसफी ऑफ द जैन वाज ऑलरेडी इन द एग्जिस्टेंस इन द नॉर्थ इंडिया बिफोर द बर्थ ऑफ वर्धमान। बिफोर द बर्थ ऑफ वर्धमान, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। व्हेन आई विल डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ महावीर देन आई विल टेल यू द ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट महावीर। ओके, उनके बचपन का नाम भी हम आपको इसमें बताएंगे। तो महावीर था, और कहता है कि इन महावीर के पहले जैन धर्म भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित थी। इन द 6th century BC अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन महावीर वाज प्रेसिडेड बाय 23 अदर टीचर्स और तीर्थंकर्स। कहते हैं कि महावीर स्वामी अपने पूर्व 23 तीर्थंकर को प्रेसिड किए, उनके बाद के क्रम में अपने को स्थापित किए। तो आइए मैं एक क्रम बता देता हूं सारे टीचरों की, काउंटिंग गिना देता हूं जो वो थे। चलिए मैं 24 टीचर की काउंटिंग में आपको कुछ चीजों को क्लियर कर देता हूं, वो आपके लिए आसानी होगी। आप इनको नोट कर लीजिएगा बुक में, कॉपी में। पहले टीचर्स हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा, ऋषभदेव या आदिनाथ 24 जैन टीचर अवलिक तीर्थंकर फर्स्ट आदिनाथ सॉरी ऋषभदेव ऋषभदेव
इन्हें आदिनाथ भी कहते हैं, आदि नाथ। सेकेंड, ऋषभदेव के बाद जो सेकेंड नाम है वो है अजितनाथ, फिर संभवनाथ, अजितनाथ, थर्ड संभवनाथ, फोर संभवनाथ के बाद नाम कौन करे, संभवनाथ, फिर अभिनंदन, फिर सुमितनाथ, अभिनंदन, फिर सुमितनाथ, फिर छठे नंबर के जो टीचर हैं उनका नाम पद्म प्रभु सुपार्श्वनाथ, इसके बाद पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, सुपार्श्व, सुपार्श्वनाथ, आठवें नंबर के सुपार्श्वनाथ के बाद अगर आप देखें तो एक पूरी श्रृंखला आपको मिलेगी, चंद्र प्रभु, सुविधनाथ, चंद्र प्रभु, सुविधनाथ, चंद्र प्रभु के बाद नाम मैंने आपको बताया, क्लियर सुन लीजिएगा, सुविधनाथ, ये सुविधनाथ। और फिर इसके बाद अगर इसी क्रम में चलें तो हमें 10 पे आ जाएंगे, आप सिस्टमेटिक चलिए, 10वें नंबर पे आपको मिलेंगे शीतलनाथ, श्रेयांशनाथ, फिर वासुपूज, शीतलनाथ, श्रेयांशनाथ, वासुपूज, वासुपूज, और फिर वासुपूज के बाद विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, विमलनाथ, अनंतनाथ, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, एक पूरी श्रृंखला आपको दिख रही है। फिर मल्लिनाथ, मुनि सुव्रत, मल्लिनाथ, मुनि सुव्रत, मल्लिनाथ, मुनि सुव्रत, फिर नेमिनाथ, अरिष्ट नेमी, नेमिनाथ, अरिष्ट नेमी, पार्श्वनाथ,
और 24 टीचर के रूप में महावीर। तो ये टीचर है जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ये 24 टीचर। अभी देखिए ऋषभ देव से हमने शुरू किया, ये पहले थे, और फिर हमने बात की 23 और 24 टीचर की, ये है पार्श्वनाथ और महावीर। महावीर और पार्श्वनाथ के बीच करीब 250 सालों का अंतराल था, 250 ईयर्स का अंतराल था। तो बुक कहता है, क्लियरली आपको कहता है कि महावीर इन द 16th century BC, अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन, महावीर वाज प्रेसिडेड बाय 23rd अदर टीचर आर तीर्थंकर्स, लिटरली दोज हु गाइड मेन एंड वोमेन अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस, मीनिंग ऑफ तीर्थंकर। अभी इसके बाद आपको मीनिंग ऑफ तीर्थंकर, तीर्थंकर किसे कहते हैं, तो कहता है तीर्थंकर का मतलब वो होता है जो संसार रूपी सागर से मानवों को पार उतारता है, दैट इज कॉल्ड तीर्थंकर। तीर्थंकर इट मीन्स दोज हु गाइड मेन एंड वुमेन अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस, नदी को नदी से पार उतारने वाला ये तीर्थंकर है, भाव सागर से पार उतारने वाला तीर्थंकर। इस प्रकार हमने 24 तीर्थंकरों के नाम आपको काउंट कराए, इसमें सिर्फ एक तीर्थंकर जो 23rd तीर्थंकर है नेमिनाथ, नेमिनाथ को दिगंबर और श्वेतांबरों में बीच मतभेद है। दिगंबर कहते हैं कि ये मेल है, श्वेतांबर कहते हैं ये फीमेल है। मलिनाथ जो स्त्री थी जैन परंपराओं के अनुसार, और इन्होंने कैवल्य की प्राप्ति की थी, तो यहां पे थोड़ा सा हमको अंतर दिखाई। फिर एक बार देख लीजिए आप काउंट करके, ऋषभ देव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमितनाथ, पदम प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु सुविधनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांशनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लिनाथ, मुनि सुव्रत, नेमिनाथ, अरिष्ट नेमी, पार्श्वनाथ और महावीर। ये 24 तीर्थंकर जैन परंपराओं में हमें दिखाई देते हैं, जैन परंपराओं में इनका विस्तार से वर्णन किया गया है। लेकिन इन 24 टीचर्स में सिर्फ और सिर्फ दो टीचर ही ऐतिहासिक माने गए हैं, जिसमें पार्श्वनाथ और महावीर का नाम उल्लेख किया जाता है, जाना जाता है। अब इनकी चीजों को थोड़ा और स्टेप आगे बढ़िए, कुछ और चीजों को समझिए। अब जैन धर्म को समझने के लिए कुछ बेसिक चीजों को जानना जरूरी है। जैसे बुद्ध की तरह महावीर स्वामी ने भी 6th शताब्दी ईसा पूर्व में एक महान परिवर्तन, महान बदलाव लाने का प्रयास किया। मैंने तीर्थंकर की आपको मीनिंग बताई। तीर्थंकर का एक जो कॉन्सेप्ट है वो जैन धर्म का महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। तीर्थंकर के बारे में मैंने आपको कहा था कि लिटरली मीनिंग क्या है, कि जो सामान्य मानव को संसार रूपी नदी से पार उतारे, संसार रूपी सागर से पार उतारे, उसे ही तीर्थंकर कहा गया है। जैन मत के संस्थापक के सिलसिले में 24 तीर्थंकरों की एक लंबी परंपरा का वर्णन किया जाता है। ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर थे और महावीर अंतिम तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। अन्य तीर्थंकरों के संबंध में इतिहास मौन है, सिर्फ महावीर और पार्श्वनाथ के बारे में ही हमें इतिहास से सूचना प्राप्त होती है। तीर्थंकर उन व्यक्तियों को कहा जाता था जो मुक्त है, निग्रंथ है। इन्होंने अपने प्रयत्नों के बल पर अपने को बंधनों को त्याग कर मोक्ष को अंगीकार किया, कैवल्य की प्राप्ति कर ली। इट मीन्स ये वो लोग हैं जो खुद मुक्त हुए और फिर उन सांसारिक बंधनों से अपने को मुक्त करके लोगों के कल्याण के लिए अपने को लगाया। जैन तीर्थंकरों को कभी कभी जिन नाम से भी जाना जाता है। जिन शब्द जी से बना हुआ है, जी का अर्थ होता है विजय, इसलिए जिनका अर्थ होगा विजय प्राप्ति करने वाला। चलिए एक वर्ड और आपको मिला, जी, जी से जिन, और जिन किसे कहेंगे,
जो विजय प्राप्त करने वाला हो, जिन कहा गया। तीर्थंकरों को जिन भी कहा जाता है, और ये जो वर्ड है जिन, इस जिन शब्द से जैन धर्म का काफी अच्छा आपको संबंध दिखेगा। तो महावीर स्वामी को जैन जिन भी कहा गया, जिन, निगंटनाथ पुत्र, तीर्थंकर, टीचर, इस तरह के तमाम सारे शब्दों का उल्लेख इन लोगों के लिए किया गया है। सभी तीर्थंकरों को जिन की संज्ञा से विभूषित किया जाता है, क्योंकि उन्होंने राग द्वेष पर विजय प्राप्त कर ली। यद्यपि जैन मत के प्रवर्तक 24 तीर्थंकर थे, फिर भी जैन मत के विकास और प्रचार का श्रेय अंतिम तीर्थंकर महावीर को जाता है। सच पूछा जाए तो जैन धर्म को पुष्पित और पल्लवित करने का काम, प्रसारित करने का काम महावीर स्वामी ने ही किया। महावीर स्वामी का यह कार्य, इसीलिए महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक तीर्थंकर कहते हैं। माय डियर, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू। मैंने आपसे कहा कि जो निगंठ थे, निगंठों को जैन कहा गया, जैन संप्रदाय का ही माना गया निगंठ को। एक जगह तो खुद महात्मा बुद्ध अपने को क्या कहते हैं, निगंठ कहते हैं। इस प्रकार निगंठ संप्रदाय श्रमणों में सबसे प्राचीन संप्रदाय था। जैन शब्द जिन से निकला, जिसका अर्थ था विजय, अर्थात जिन का मतलब होता है विजय प्राप्त करने वाला। और ये विजय किस चीज पर प्राप्त करेगा, वो राग द्वेष मनोविकार इन सभी चीजों पे वो विजय, जो विजय प्राप्त कर ले वो जिन कहलाता था। जिन की उपाधि अंतिम तीर्थंकर की थी, लेकिन साथ ही साथ बाद में महावीर के अलावा अन्य तीर्थंकरों को भी जिन की उपाधि से, जिन की टाइटल से विभूषित किया जाने लगा। पहले जैन धर्म निग्रंथ मत कहलाता था। जैन धर्म पहले निग्रंथ मत कहलाता था, निग्रंथ सेक्ट कहलाता था। निग्रंथ सेक्ट मैंने आपको लिखा था, पहले जैन धर्म को निग्रंथ सेक्ट कहते थे, और बाद में महावीर स्वामी के समय से इसे जैन धर्म कहा जाने लगा। जब महावीर स्वामी ने जिन इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, तो फिर इन्हें जिन से जैन धर्म की भी उत्पत्ति हुई और इसे जैन धर्म कहा जाने लगा। तो इस प्रकार की एक तरीके से अगर आप हिस्ट्री जैन धर्म की देखें, तो इसीलिए महावीर को हम वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का मानते हैं। अब कुछ और चीजें जैन धर्म के आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में महावीर स्वामी सबसे महत्वपूर्ण थे जैन धर्म के लिए। मैंने कल की क्लास में, कल के एक वीडियो पे, एक रिकॉर्डर पे मैंने आपको उन तीर्थंकरों के नाम, उन तीर्थंकरों की टाइटल, उन तीर्थंकरों की डिटेल्स आपको बताया था। हमने उनके बारे में विस्तार से उन चीजों की चर्चा की थी। आइए अब महावीर स्वामी को देखते हैं। तो आइए महावीर को देखते हैं। महावीर स्वामी, चौबीसवें टीचर जैनिज्म के महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म, ही वॉज बॉर्न, कब, दो डेट मिलती है इनकी, याद रखिएगा। महावीर स्वामी की दो डेट मिलती है, 599 और 540। 599 बीसी एंड 540 बीसी। अलग अलग जगहों पे मान्यताओं के अनुसार जन्म की दो तिथियां हैं, 599 बीसी, 599 बीसी में पैदा हुए, और दूसरी जो मान्यता उसके अनुसार ये 540 में पैदा हुए। अगर दोनों की डेट के अकॉर्डिंग चले तो इनकी मृत्यु 72 इयर्स की ओल्ड में हुई, डेथ, या डाइड लिखिए, कब, अब यहां पे 72 साल इनकी उम्र थी, 72 इयर्स। 599 से 72 घटाइए कितना होगा, 72 घटा दीजिए हो जाएगा ये
और यहां से घटाएंगे अगर 72 तो कितना होगा, 72 और अगर 72 दोनों में से घटाएं तो उनकी मृत्यु की तिथि 599 अगर लेंगे तो 527 बीसी होगी और 540 लेंगे तो 468 बीसी होगी। ये हुआ उनके जन्म और मृत्यु की तिथि। अब इसके अलावा वो कहाँ के थे, महावीर स्वामी वैशाली क्लान के थे, लिच्छवी थे, फादर इनके कौन थे, हुआस फादर सिद्धार्थ मदर त्रिशला डॉटर या वाइफ पेन लिख लीजिए, वाइफ मदर त्रिशला फादर सिद्धार्थ वाइफ, इनकी पत्नी का नाम जो आता है किसमें, जैन साहित्यों में यशोदा इनके बचपन का नाम वर्धमान इनके ब्रदर थे नंदीवर्धन और इनकी सिस्टर थी सुदर्शन। ये जनरल इंफॉर्मेशन है महावीर स्वामी की, महावीर स्वामी के जन्म के समय की जो चीजें थी उनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन है, उनकी एक इनिशियल स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन। मैंने आपको कई सारी चीजें बताई, मैंने कहा महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के लिच्छवी कुल में हुआ था, ये इक्ष्वाकुवंशी थे, पिता लिच्छवी क्लान के एक राजा थे नाम सिद्धार्थ, इनकी माता त्रिशला थी जो चेटक की पुत्री थी और वाइफ इनकी यशोदा थी। इनकी पुत्री की शादी जामाली से हुई जिसकी इस पुत्री प्रियदर्शन या अलोज्या नाम मिलता है और इनकी जो भाई थे नंदीवर्धन और बहन थी सुदर्शना। तो डॉटर का नाम लिख लीजिए, डॉटर इनकी है प्रियदर्शना प्रियदर्शना। ओके, दिस इज अ लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन अबाउट महावीर स्वामी। महावीर स्वामी बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक माने, सॉरी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे जिसमें 24वें नंबर के खुद ये थे। इनके पूर्व जो पूर्ववर्ती थे पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में फोर वोज की बात की थी। फोर वोज में सिर्फ जो जो सत्य अहिंसा अस्तेय और अपरिग्रह, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह, सत्य का मतलब ट्रूथनेस, अहिंसा नॉन वायलेंस, अपरिग्रह नॉन स्टीलिंग चोरी न करना, कम संचय करना, सत्य अहिंसा अस्तेय और अपरिग्रह कम संचय और चोरी। तो ये जो चार चीजें थी इसके अलावा जो पांचवी फिफ्थ वो महावीर स्वामी ने जोड़ा और वो था सेलिबेसी। इस प्रकार जैन धर्म में पांच महत्वपूर्ण
वो जोड़ दिए गए, महाव्रत जोड़ दिए गए अस्तेय के साथ, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह के बाद ब्रह्मचर्य को भी महावीर स्वामी ने जोड़ा। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ। इनके बारे में भी लगभग वैसी ही कहानियां प्रचलित हैं जैसे गौतम बुद्ध के बारे में थी, किस तरह से ये पैदा हुए। गौतम बुद्ध की ही तरह बचपन में इनके बारे में भी ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की, यदि ये राजा बनेंगे तो चक्रवर्ती होंगे, और यदि ये संत बने तो महान सन्यासी होंगे। तो दोनों संकल्पनाएं बौद्ध और जैन धर्म की यहाँ पे मिलती हैं, मैच खाती हैं। महावीर स्वामी ने अपने माता पिता के मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के उन्होंने घर को छोड़ दिया, घर त्याग कर दिया। जब उन्होंने गृह त्याग किया तो उनकी आयु 30 साल की थी। बुद्ध की आयु 29 वर्ष थी जब उन्होंने गृह त्याग किया था, और महावीर की आयु 30 साल थी जब उन्होंने गृह त्याग किया था। महावीर 12 वर्ष तक कठोर तपस्या किए, और 12 वर्ष की कठोर साधना के बाद 42 ईयर्स ओल्ड में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिरंबिका ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई। कहां पे? अब देखिए कुछ और चीजें, इसको मिटाता हूं, मैं उन चीजों को लिखता हूं, ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन थी। अब महावीर के बारे में कुछ उन इन्फॉर्मेशन को भी लिख लीजिए, कहां कब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, रिवर क्या थी, सब चीजें एक जनरल इन्फॉर्मेशन है ये। हालांकि आपके अभी ये जब आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो उसके बारे में आप विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे हम आपको इससे इसलिए इंट्रोड्यूस करा रहे हैं क्योंकि आपको इसके बारे में लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जब इन फ्यूचर आप इसके बारे में समझे तो ये पता होनी चाहिए कि महावीर स्वामी के प्रारंभिक जीवन के बारे में क्या था, कैसे था, क्या नाम था, सूचनाएं थी। तो महावीर स्वामी 12 ईयर्स की ओल्ड, कब 30 ईयर्स की ओल्ड में क्या किया उन्होंने, लेफ्ट किया घर को। 42 ईयर्स इट मीन्स आफ्टर 12 ईयर एक्सट्रीम असेक्टिज्म कठोर व्रत के बाद 42 ईयर्स में उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य मतलब नॉलेज, यहां नॉलेज से ही लेंगे। ये कैवल्य क्या था इनका, स्यादवाद। कैवल्य की प्राप्ति हुई कहां पे, जिरंबिका ग्राम में। जिरंबिका विलेज में रिवर थी ऋजुपालिका, ट्री था थी साल, के नीचे इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और फिर यहीं से जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्हें केवलिन, जिन, विजेता, इनके कई सारे नाम आए, जैसे इनकी टाइटल आई केवलिन, जिन, विजेता, निगंठनाथ पुत्र, ऑफ महावीर एक, दो, तीन, चार उनकी टाइटल्स हमें जैन साहित्यों में प्राप्त होती हैं। और फिर यहीं से 72 वर्ष की आयु में 468 में इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई, उनकी मृत्यु हुई। जैन दर्शन के बारे में हमें आचारांग सूत्र से ढेरों सूचनाएं मिलती हैं, और
आचारांग सूत्र में महावीर की तपश्चर्या कठोर साधना का वर्णन हमें मिलता है। जैन धर्म के अनुसार ये पूरा संसार छह तत्वों से मिलकर बना हुआ है। सिक्स कौन कौन सा, तो वो कहते हैं कि इन छह तत्वों में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये छह तत्वों से पूरे शरीर की निर्माण हुई है। तो ये महावीर स्वामी का जनरल इन्फॉर्मेशन था। हम इसके बाद इनकी टीचिंग पढ़ेंगे, हम ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में इतना बहुत है। अगर आप इतना समझ लें तो फिर आप सीधे डायरेक्ट टीचिंग पर आए। तो आज के लिए इतना ही, इन नेक्स्ट वीडियो में हम टीचिंग पर बात करेंगे और कुछ अदर इन्फॉर्मेशन पे। सो गुड बाय एंड टेक केयर।